हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेक्स फ्राइड नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज की रिकॉर्डिंग में मैं आपको हैंगिंग और एस्फिक्सिया के ऊपर रिवीजन करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताया था। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हैंगिंग और एस्फिक्सिया के ऊपर मैं कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा, जिससे आपका ये पूरा टॉपिक का रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। यहाँ पे एजुकेटर्स आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं। इन लाइव क्लासेस जो ये क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते हुए आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा यहाँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवेल्यूशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इंटर्न्स की बात करूँ, तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आज रहता है, तो वो अपना एक टाइम टेबल मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। और बाकी जो अभी पोस्ट इंटर्न हैं, जो अभी ड्यूटी में हैं अभी, तो उन लोग के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे वो अपना खुद का टाइम टेबल बना के, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, वो कभी भी यहाँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई आपका लेक्चर अगर मिस हो जाता है, तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बस डाउनलोड करके रख लेना है और फिर आप उसको जब चाहें ऑफलाइन आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। किसी चीज़ के ऊपर अगर डाउट है, तो उसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे लाइव क्लासेस के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जिसके चार ऑप्शन हैं, वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे और फिर आपको बस जो सही आंसर होगा उसको सिंपली क्लिक कर देना है। तो ऐसे ही करते आपको जो करेक्ट आंसर होगा उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका ना ये हुआ कि आप अपने घर पे बैठे बैठे लाइव क्लासेस का बेनिफिट तो उठा ही रहे हैं, साथ के साथ आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो भी एजुकेटर के सामने। इसका ना ये दोस्तों घर का सेफ इन्वायरमेंट प्लस लाइव क्लासेस प्लस एमसीक्यू की प्रैक्टिस, काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यहाँ अपने घर पे बैठे बैठे। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं, तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ेंगे। सर ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। दोस्तों आपको करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके ना ये दोस्तों अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 4500 का। अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11250 का। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18000 का। अगर आप 12 मंथ का लेते हैं, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे दोस्तों अगर आप 24 मंथ का लेते हैं, तो मेरा रेफरल कोड LIVEDRAM, मैं रेफरल कोड यूज करके ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज का। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे गौर करें, तो 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में अगर मैं 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस और ऐड कर दूँ, तो टोटल बन जाता है 27,000 रुपीज। तो दोस्तों आपने देखा, एक साल के सब्सक्रिप्शन में अगर मैं सिर्फ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्जेस और ऐड कर दूँ, तो आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें यह है आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो पूरे 2 साल के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों जनवरी में एग्जाम होता है नीट पीजी का। अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है, तो आपसे 8 महीने बाद एग्जाम है। एग्जाम के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों उसी के कुछ टाइम बाद तक जो है एम्स के एग्जाम के बारे भी आ चुकी होती है। तो दोस्तों आप अपने नीट एग्जाम के बाद
पढ़ाई के टच में रह सकते हैं, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पढ़ाई के टच में भी रह सकते हैं, प्लस नए नए अपडेट जो आएंगे उसके टच में भी रह सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो अगर फेवरेट ब्रांच है, फॉर एग्जांपल ऑप्थेल है या ऑर्थोपेडिक है या गाइनी ऑप्स है, मेडिसिन है या रेडियोलॉजी है, कोई भी अगर ऐसा अगर आपका फेवरेट ब्रांच है तो आप उसकी लाइव क्लासे अटेंड करते करते भी आप जो है अपने पढ़ाई के टच में, अपने फेवरेट सब्जेक्ट के टच में भी रह सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा चांसेस है, आप हो सके तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते, स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जब आप पढ़ाई से पहले जब आप पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं तो ये चीज़ आपके पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित करता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एक रिकॉर्डेड सेशन है, यहाँ पे तो मैं आपके कोई भी डाउट नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो उसके लिए मैं कोशिश किया कि हर क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ मैं, ताकि आपको किसी भी चीज़ का डाउट ना रहे। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट रहता है सिंस रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप ऐप के अंदर आप मेरे से लाइव क्लासेस के अंदर आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पर मैं लाइव क्लासेस में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो कैफे कोरोनरी कॉमनली अकर्स व्हेन अ पर्सन इज, तो दोस्तों कैफे कोरोनरी किस पर्सन के अंदर होता है? इंटॉक्सिकेटेड, सही जवाब है। ईटिंग फैटी फूड नहीं, ईटिंग फिश नहीं, ईटिंग मीट नहीं, ईटिंग फिश नहीं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा कैफे कोरोनरी के बारे में बता देता हूँ आपको। कैफे कोरोनरी में होता क्या है दोस्तों, द ओरिजिनल सीरीज ऑफ डेथ इन्वॉल्व मैन इन रेस्टोरेंट एंड कैफे हु सेट बैक इन द चेयर डेड वाइल ईटिंग फूड एंड इट सडननेस मिमिक अ कोरोनरी हार्ट अटैक। इट इज कॉमन व्हेन गैग रिफ्लेक्स इज सप्रेस्ड, दैट इज इंटॉक्सिकेटेड इंडिविजुअल एंड फॉलोइंग लार्ज डोज ऑफ ट्रैंक्विलाइजर। यानी कि जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन अगर कोई है तो उसका गैग रिफ्लेक्स सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो जब कुछ खाता है तो उसकी वजह से जो गले में अटकता है, और उससे क्या होगा दोस्तों, ये मिमिक करने लग जाएगा कोरोनरी हार्ट अटैक को। तो लोगों को लगेगा कि जो है वो उसके हार्ट अटैक से डेथ हुई है। तो इसका जो नाम पड़ा है दोस्तों, कैफे में इंसान गया और कोरोनरी हार्ट अटैक आने से उसकी डेथ हो गई, तो इसलिए कैफे कोरोनरी इसका नाम पड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल क्या हुआ, इंटॉक्सिकेशन होने की वजह से उसको एस्फिक्सिया हो जाता है, उस एस्फिक्सिया के कारण उसकी डेथ होती है। तो यूजली ड्यू टू एस्फिक्सिया, यानी कि हाइपोक्सिक और एनोक्सिक एनोक्सिया की वजह से उसकी डेथ होती है। समटाइम फ्रॉम रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू लैरिंजियल नर्व स्टिमुलेशन। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, कैफे कोरोनरी में क्या हुआ कि इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जब कुछ खाता है तो गले में उसके अटक जाता है, जिसकी वजह से उसको एस्फिक्सिया होता है, इसी की वजह से वो मिमिक करने लग जाता है कार्डियक हार्ट अटैक को, जिसकी वजह से लोगों को ये लगेगा कि हार्ट अटैक आया पर्सन को, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा कैफे कोरोनरी। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कॉज ऑफ डेथ इन कैफे कोरोनरी इज, तो कॉज ऑफ डेथ क्या होता है कैफे कोरोनरी का, इन कैफे कोरोनरी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के अंदर एस्फिक्सिया हो जाता है जब भी कुछ खाता है, तो एस्फिक्सिया इसका हो गया करेक्ट आंसर। ए हो गया करेक्ट, बी हो गया गलत, एंजियोएडिमा नहीं, कार्डियक अरेस्ट नहीं, हाइपरटेंशन नहीं, तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, लेफ्ट फेसेस सिंपैथिक इज सीन इन, तो लेफ्ट फेसेस सिंपैथिक किसके अंदर देखा जाता है? ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं, हैंगिंग के अंदर दोस्तों देखा जाता है, स्ट्रेंगुलेशन नहीं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताया था दोस्तों, हैंगिंग के अंदर लैगेचर मार्क इज अ टाइप ऑफ प्रेशर या फिर इम्प्रिंट या फिर कॉन्टेक्ट या फिर पैटर्न एब्रेशन इन चीज कटर मेथड अ नैरो वायर इज यूज। द कॉज ऑफ डेथ इन जुडिशियल हैंगिंग इज फ्रैक्चर डिसलोकेशन यूजली एट C2-C3 या फिर C3-C4 वर्टिब्रे। तो अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों हैंगिंग की। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा इज अ प्योर साइन ऑफ हैंगिंग हैविंग टेकन प्लेस ड्यूरिंग लाइफ एज सिक्रीशन एट सिक्रीशन ऑफ सलाइवा अ वाइटल फंक्शन कांट अकर आफ्टर डेथ। If ligature not present on the
इफ लैगेशन नॉट प्रेजेंट ऑन द सर्वाइकल सिंपेथेटिक द आई ऑन द सेम साइड में रिमेन ओपन एंड इट्स प्यूपल डायलेटेड इंडिकेटिंग एंटीमॉर्टम हैंगिंग। तो इसी को बोला जाता है लाफ फेसेस सिंपेथिक। क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है और उसका ये यहाँ पे लाइगेचर मटेरियल है, तो यहाँ पे नॉट है, तो जिस साइड पे नॉट होगा उसी साइड की आंखें खुली रहेंगी, दूसरी साइड की आई क्लोज रहेंगी और ये जो माउथ है इससे सलाइवा ड्रिबल करेगा। तो दोस्तों जिस साइड में नॉट होता है उस साइड इफ लाइगेचर नॉट प्रेसिंग द सर्वाइकल सिंपेथेटिक द आई ऑन द सेम साइड में रिमेन ओपन, जिस साइड में नॉट होगा उस साइड के आईज ओपन रहेगा और पीपल डायलेटेड रहेंगे, और जो पीपल रहेंगे वो डायलेटेड रहेंगे। इसी को बोला जाता है दोस्तों लाफ फेसिंग सिंपेथिक, और ये एंटीमॉर्टम हैंगिंग का एक करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है। तो लाफ फेसिंग सिंपेथिक इज अ कंडीशन सीन इन केस ऑफ, तो किसके अंदर देखा जाता है दोस्तों, ये हैंगिंग के केस में देखा जाता है। स्ट्रेंगुलेशन नहीं, मायोकार्डियल इंफिशिएंसी नहीं, रेलवे एक्सीडेंट नहीं। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताया था मैं, ये पर्सन है और यहां पे इसका नोट, तो जिस साइड में नोट होगा दोस्तों उस साइड की आंखें खुली रहेंगी और प्यूपिल डायलेटेड रहेंगी। और एक चीज और, अगर एंटीमॉर्टम डेथ है तो माउथ से अपोजिट साइड में सलाइवा ड्रिबल करेगा। तो यही होता है लाफ फेसेस सिंपेथिक। तो यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे नॉट है, तो जिस साइड में नॉट होगी उस साइड की आंखें खुली रहेंगी और पीपल डायलेटेड रहेंगे। इन अ केस ऑफ हैंगिंग नेक लाइगेचर मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ, तो जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि हैंगिंग के केस में जो जो लाइगेचर मार्क होती हैं ये प्रिंटेड एब्रेशन की तरह ये कॉज करती हैं, की तरह एक एग्जांपल होता है। कंट्यूजन नहीं, लेसरेशन नहीं, ब्रूज नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, डेथ ऑफ जुडिशियल हैंगिंग इज बिकॉज ऑफ, तो जुडिशियल हैंगिंग के केस में डेथ कैसे होती है। वेजोवेगल शॉक नहीं, ऑक्लूजन ऑफ एयरवे नहीं, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये सही है दोस्तों, कोमा नहीं। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया था फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा इसके अंदर C2 C3 या फिर C3 C4 वर्टिब्रे का फ्रैक्चर हो जाता है। ये है दोस्तों फ्रैक्चर का साइन, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो जुडिशियल हैंगिंग इन इंडिया एंड यूके, लेफ्ट साइडेड सब ओरल अंडर एंगल ऑफ जॉ, ये दोस्तों मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये इस साइड में नॉट लगाते हैं फॉर जुडिशियल हैंगिंग। ऑल दो प्लेसमेंट ऑफ नॉट बीनीथ चिन इज सब मेंटल पोजिशन इज बॉट टू बी मोर एफिशियंट एंश्योरिंग अ क्विक डेथ। रोप इज लूप अराउंड द नेक एंड अलाउड टू ड्रॉप 5 to 7 meters अकॉर्डिंग टू वेट, बिल्ट एंड एज ऑफ द पर्सन। सडन स्टॉप कॉज फ्रैक्चर डिसलोकेशन यूजली एट द लेवल ऑफ C2 C3 और C3 C4 vertebrae एंड रप्चर ऑफ ब्रेन स्टेम बिटवीन पॉन एंड मेडुला। तो दोस्तों C2 C3 या फिर C3 C4 का C3 C4 का फ्रैक्चर डिसलोकेशन ये देखा जाता है। तो फ्रैक्चर डिसलोकेशन हो जाता है। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, ब्रेन स्टेम रप्चर कर जाता है कहां पे, पॉन एंड मंडुला के बीच में। तो रप्चर ऑफ ब्रेन स्टेम बिटवीन पॉन्स एंड मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हैंगिंग इज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो हैंगिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहेगा, फ्रैक्चर ऑफ हायोइड कार्टिलेज नहीं,
फ्रैक्चर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, नहीं, स्टेनिंग ऑफ सलाइवा दोस्तों ये सही है, और लाइगेचर मार्क ये भी सही है। तो दोस्तों सी एंड डी हो गए इसके करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा और लाइगेचर मार्क होता है, और लाइगेचर मार्क कैसे होता है दोस्तों, लाइगेचर मार्क इज अ टाइप ऑफ प्रेशर प्रेशर इम्प्रिंट या फिर कॉन्टेक्ट या फिर पैटर्न एब्रेशन, ये दोस्तों देखा जाता है। द मोस्ट स्पेसिफिक फीचर ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग इज, दोस्तों मोस्ट स्पेसिफिक फीचर पूछा जा रहा है, तो टार्डियो स्पॉट नहीं, लाइगेचर मार्क भी नहीं है, फ्रैक्चर ऑफ थायराइड कार्टिलेज नहीं, ड्रिबलिंग ऑफ स्लाइवा दोस्तों मोस्ट स्पेसिफिक साइन है इसका, मोस्ट स्पेसिफिक, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जैसे यहां पे बताया था, ड्रिबलिंग ऑफ स्लाइवा इज अ श्योर साइन ऑफ हैंगिंग हैविंग टेकन प्लेस ड्यूरिंग लाइफ, अ सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा अ वाइटल फंक्शन कांट अकर आफ्टर डेथ, तो ये चीज डेथ के बाद नहीं हो सकती है, तो ये एंटीमॉर्टम डेथ में ही ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा देखा जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैंने बताया था आपको ला फेसी सिंपैथी, ला फेसी सिंपैथी ये भी मैंने बताया था, इसके मैंने बताया था दोस्तों अगर ये पर्सन है और ये अगर मान लीजिए नॉट आ रहा है, तो जिस साइड में नॉट है उस साइड की आंखें खुली रहेंगी और प्यूपिल डायलेटेड रहेंगी, और जो नॉट के अपोजिट साइड से सलाइवा ड्रिबल करेगा। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, तो सलाइवा ड्रिबलिंग फ्रॉम माउथ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये पोस्टमार्टम हैंगिंग नहीं, एंटीमार्टम हैंगिंग का ये होता है, सुसाइडल हैंगिंग नहीं, होमिसाइडल एक्स्ट्रैंगुलेशन नहीं, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं लिंचिंग के ऊपर, तो लिंचिंग इज, तो प्रैक्टिस इन नॉर्थ अमेरिका ये सही है, प्रैक्टिस बाय व्हाइट पीपल और निग्रोस सही है, निग्रोस ब्लैक पीपल होते हैं वहां अमेरिका के, हैंगिंग पब्लिकली ऑन अ ट्री ये भी सही है, तो दोस्तों डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। लिंचिंग इज प्रैक्टिस इन नॉर्थ अमेरिका, प्रैक्टिस बाय व्हाइट पीपल और निग्रोस, हैंगिंग पब्लिकली ऑन अ ट्री, तो ऑल हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं लिंचिंग, ये सारे व्हाइट पर्सन है, व्हाइट पीपल है ये, और ये हो गए दोस्तों ब्लैक यानी कि निग्रोस। तो लिंचिंग क्या होता है दोस्तों, नेम इज ड्राइव फ्रॉम विलियम लिंच अ व्हाइट कैप्टन इन यूएसए हु यूज्ड टू ऑर्डर हैंगिंग ऑफ ब्लैक ऑन द स्पॉट विदाउट ट्रायल, तो मतलब कोई भी कोर्ट कचहरी का कोई भी ट्रायल नहीं होता था, सीधा वो ऑर्डर दे देते थे कि इनको फांसी की सजा हो जाए निग्रोस को। तो इट इज अ होमिसाइडल हैंगिंग इन विच अ सस्पेक्ट एनिमी और एक्यूज इज हैंग बाय अ रोप फ्रॉम ट्री बाय मॉब, तो जितने भी व्हाइट पर्सन लोग हैं इन लोगों ने इन दो ब्लैक निग्रोस को पेड़ से टांग के हैंगिंग कर दिया। तो हायर्ड फ्रैक्चर इज कॉमन इन, तो हायर्ड फ्रैक्चर किस चीज के लिए, किस चीज में काफी कॉमन रहता है, हैंगिंग नहीं, स्ट्रैंगुलेशन नहीं, थ्रॉटलिंग के दोस्त के लिए के अंदर दोस्तों ये काफी कॉमन है, चोकिंग नहीं, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। कैसे दोस्तों, मान लीजिए थ्रॉटलिंग क्या होता है, ऐसे गला दबाना, तो जब ऐसे किसी का गला दबाते हैं तो ये जितने भी फिंगर्स हैं इससे ये यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, और इससे क्या होता है, हायर्ड बोन का फ्रैक्चर काफी कॉमन देखा जाता है। तो फ्रैक्चर ऑफ हायर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर्ड फ्रैक्चर सबसे ज्यादा होता है थ्रॉटलिंग यानी कि मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, मैक्सिमम देखा जाता है फिर होता है स्ट्रैंगुलेशन, और फिर सबसे आखिरी में देखा जाता है हैंगिंग के अंदर। तो फ्रैक्चर ऑफ हायर्ड इन द रीजन ऑफ ग्रेटर कॉर्नियम एंड सुपीरियर हॉर्न ऑफ थायराइड कार्टिलेज मोर कॉमन,
एंड ब्रूजिंग, हेमरेज एट द बेस ऑफ द टंग विथ फिंगर मार्क्स, यानी कि ब्रूज एंड फिंगर नेल मार्क्स, क्रेसेंटिंग एब्रेशन, स्टिक फाइंडिंग ऑफ होमिसाइडल थ्रॉटलिंग, यानी कि मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन. हायड फ्रैक्चर में बी एबसेंट ड्यू टू इलास्टिसिटी, इन सच केस ब्रूजिंग यानी कि हेमरेज एट द बेस ऑफ टंग में बी ओनली एविडेंस ऑफ थ्रॉटलिंग. मान लीजिए अगर हायड बेन हायड फ्रैक्चर नहीं होता है, काफ़ी इलास्टिसिटी होती है अगर उसकी वजह से, तो क्या होगा दोस्तों कि जो फिंगर टिप से जो काफ़ी सारे ब्रूज पैदा होंगे वो फिर बेस ऑफ द टंग में फिर वो एक एविडेंस माना जाएगा थ्रॉटलिंग के केस में. लेकिन दोस्तों जो हायड बोन का सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं वो गला दबाने यानी कि मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन के अंदर ही देखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों. एक्सटेंसिव ब्रूजिंग ऑफ नेक मसल और एक्विमोसिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू इन नेक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. तो एक्सटेंसिव ब्रूजिंग ऑफ नेक मसल और एक्विमोसिस, ये चीज जो सबसे ज्यादा देखी जाती है दोस्तों स्ट्रेंगुलेशन के अंदर देखी जाती है, हैंगिंग में नहीं, स्ट्रेंगुलेशन के अंदर देखी जाती है, थ्रॉटलिंग नहीं, वर्किंग नहीं. तो स्ट्रेंगुलेशन के अंदर ही सबसे ज्यादा ये चीज देखी जाती है. तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर. तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स कंप्लीट लाइगेचर मार्क विद मैक्सिमम एक्शन साइन ऑफ एस्फिक्शिया सच एज कंजेशन साइनोसिस पेटेकी ऑन फेस अलोंग विद एक्सटेंसिव ब्रूजिंग ऑफ नेक मसल एंड एक्विमोसिस ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेंगुलेशन. तो ये स्ट्रेंगुलेशन का काफी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ब्रूजिंग ऑफ नेक मसल एंड एक्विमोसिस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू. हॉरिजॉन्टल लाइगेचर मार्क इन द नेक इज सीन इन. तो हॉरिजॉन्टल लाइगेचर मार्क किसके अंदर देखा जाता है दोस्तों, थ्रॉटलिंग के अंदर नहीं, हैंगिंग के अंदर नहीं. सिंस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइगेचर मार्क की बात चली तो स्ट्रेंगुलेशन बाई लाइगेचर, ये इसका करेक्ट आंसर. डी चोकिंग नहीं, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर. तो दोस्तों एक बार मैं बता दूं कि स्ट्रेंगुलेशन बाय लाइगेचर क्या होता है. मान लीजिए काफ़ी कॉमन होता है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए बाइक से अगर कोई लेडी जा रही है, उन्होंने दुपट्टा अगर ओढ़ रखा है तो वो दुपट्टा मान लीजिए बाइक के टायर में फंस गया, तो उससे क्या होगा, ये एक्सीडेंटल एक क्या है स्ट्रेंगुलेशन बाय लाइगेचर का काफ़ी एक्सीडेंटल एक एग्जाम्पल है. बाकी क्या होता है दोस्तों, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि रस्सी या फिर कोई तार या फिर कोई दुपट्टा उन सबसे गला दबा देते हैं, जो विलन होता है वो वो जो है काफ़ी लोग का देखा होगा मूवीज़ के अंदर अपने कि गला दबा देते हैं, उससे डेथ हो जाती है. तो एक स्ट्रेंगुलेशन बाय लाइगेचर का एक काफ़ी क्लासिक एग्जांपल है. तो स्ट्रेंगुलेशन इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ वॉयलेंट एस्फिक्शिया बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द नेक बाय सम मीन लाइक लाइगेचर, हैंड, अगर हैंड्स होता है तो उसको थ्रॉटलिंग बोलते हैं, फोरआर्म से हुआ है तो उसको मगिंग बोलते हैं, अगर स्टिक्स यानी बांस से अगर किया जाता है तो बांस डोला किया जाता है विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी. तो ये वॉयलेंट एस्फिक्शिया का एक एग्जाम्पल है. तो इससे दोस्तों हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन के बीच में. तो डिफरेंसेस बिटवीन हैंगिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन फीचर्स हैं हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन का. कॉज मोस्टली क्या होगा, सुसाइडल, हैंगिंग केस काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल केस होते हैं, स्ट्रेंगुलेशन के केस में ज़्यादातर होमिसाइडल के केस होते हैं ये. साइन ऑफ स्ट्रगल, सिंस सुसाइडल है तो यहाँ पे स्ट्रगल का कोई साइन नहीं देखा जाएगा, लेकिन सिंस ये होमिसाइडल का केस है तो यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रगल देखा जाएगा, यहाँ पे देखा नहीं जाता है. लाइगेचर मार्क कैसा होगा दोस्तों, अबव थायराइड कार्टिलेज, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बिलो थायराइड कार्टिलेज. यहाँ पे दोस्तों हम बात करें हैंगिंग की और यहां पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंगुलेशन की. तो लाइगेचर मार्क इनकम्प्लीट और डायरेक्टली ऑब्लिक अपवर्ड, लेकिन यहां पे क्या होगा, कंप्लीटली एनसर्कल नेक. यहां पे क्या होगा, नो स्किन डैमेज अंडर नॉट, लेकिन यहां पे दोस्तों यहां पे तो डैमेज हो गई, यहां पे हॉरिजेंटली होता है. एब्रेशन एंड ब्रूज अराउंड नेक मार्क आर रेयर,
लेकिन यहाँ पे एब्रेशन व्यूज आर कॉमन. डाइसेक्शन रिवील अ ड्राई ग्लिसनिंग वाइट बैंड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, लेकिन यहाँ पे डाइसेक्शन रिवील एक्विमोसिस सबक्यूटेनियस टिश्यू. यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ नेक, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ वर्टिब्रे यहाँ पे प्रेजेंट होगा लेकिन यहाँ पे एबसेंट होगा. फ्रैक्चर ऑफ हायोइड या फिर लैरिंजियल कार्टिलेज या फिर ट्राइकल रिंग यहाँ पे रेयर होगा फ्रैक्चर, लेकिन यहाँ पे होगा काफी कॉमन. थ्रॉटलिंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हायोइड फ्रैक्चर. इंजरी टू नेक मसल, इंजरी टू कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे रेयर है लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा कॉमन रहता है. सलाइवा कैसा रहेगा, रनिंग आउट ऑफ एंगल ऑफ माउथ वर्टिकली डाउन. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अगर मान लीजिए ये नॉट है तो ऐसे वर्टिकली डाउन ऐसे करके सलाइवा नीचे आता है. यूजली सलाइवा नॉट एस्केप बट इफ सो यूजली ब्लडेड टिंज एंड मे नॉट बी वर्टिकली डाउन. एक्सटर्नल साइन ऑफ एस्फिक्सिया नॉट वेल मार्क, देखिए यहाँ पे वेल मार्क. फेस कैसा रहेगा, यहाँ पे पेल रहेगा लेकिन यहाँ पे कंजेस्टेड साइनोस विथ पिटेकिया. ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड माउथ यहाँ पे रेयर है लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ दिस कंजेशन साइनोस एंड पिटेकिया. इसी की वजह से नोज या माउथ से ब्लीडिंग देखी जा सकती है. तो दोस्तों ऐसे हमने देखा हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन के बीच का डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों. हैंगिंग विद द फीट टचिंग द ग्राउंड इज सीन इन. तो अगर मान लीजिए हैंगिंग के केस में अगर फीट टच कर रहे हैं तो उसको पार्शियल हैंगिंग का नाम दिया गया है. कंप्लीट हैंगिंग के अंदर दोस्तों कोई भी चीज, कोई भी बॉडी पार्ट किसी भी चीज से टच नहीं करा होता है उसको कंप्लीट हैंगिंग बोला जाता है. तो हमें सडल हैंगिंग नहीं, सडल हैंगिंग नहीं, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर. तो थोड़ा सा हैंगिंग के बारे में बताता हूँ. अ फॉर्म ऑफ वायलेंट एस्फिक्सिया इज अ रिजल्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ बॉडी बाय अ लिगेचर अराउंड द नेक, द कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स बीइंग द वेट ऑफ द बॉडी. क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके का वायलेंट एस्फिक्सिया है. इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, बॉडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब लटका दिया जाएगा, और लटकाने की वजह से सिंस गले में एक लिगेचर है उसकी वजह से दोस्तों जब लटकाया जाता है तो पूरा बॉडी का वेट जो है गले के ऊपर पड़ता है. तो द कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स बीइंग द वेट ऑफ द बॉडी. तो हैंगिंग को दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू नॉट ऑफ अ लिगेचर या फिर अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द सस्पेंशन. दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और हर कैटेगरी को भी दो सब टाइप में भी डिवाइड किया गया है. तो अकॉर्डिंग टू नॉट ऑफ लिगेचर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टिपिकल हैंगिंग और एटिपिकल हैंगिंग. टिपिकल हैंगिंग को दोस्तों नॉट ऑफ लिगेचर शुड बी एट द नेप ऑफ द नेक ऑन द बैक. तो यानी कि दोस्तों ये एरिया जो है अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये पीछे वाला जो एरिया है इसको नेप बोला जाता है. तो अगर नॉट अगर पीछे नेप पे है तो उसको टिपिकल हैंगिंग बोला जाएगा, लेकिन अगर उसको छोड़ के बाकी कहीं पे भी है नॉट तो उसको ए टिपिकल हैंगिंग बोला जाता है. तो एट एनी साइड अदर देन द नेप ऑफ द नेक. मोस्ट कॉमन साइट इज नियर वन साइड ऑफ द मैस्ट्रॉइड प्रोसेस और नियर एंगल ऑफ द जॉ. तो उसको दोस्तों ये टिपिकल हैंगिंग का नाम दिया गया है. अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ सस्पेंशन, डिग्री ऑफ सस्पेंशन के अकॉर्डिंग के उस पर भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंप्लीट हैंगिंग और इनकम्प्लीट हैंगिंग, जिसको पार्शियल हैंगिंग के नाम से भी जानते हैं. कंप्लीट हैंगिंग क्या होता है, बॉडी इज फुल्ली सस्पेंडेड एंड नो पार्ट ऑफ द बॉडी टचेस द ग्राउंड. कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स इज वेट ऑफ बॉडी. तो दोस्तों जो कंप्लीट हैंगिंग होता है उसके अंदर कोई भी बॉडी का पार्ट ग्राउंड से टच नहीं कर रहा होता है तो उसको कंप्लीट हैंगिंग का नाम दिया गया है. इसके अंदर जो वेट है बॉडी का वही गले के अंदर कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है. इनकम्प्लीट यानी कि पार्शियल हैंगिंग ये क्या होता है दोस्तों, द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज इन टच विद ग्राउंड, वेट ऑफ हेड एक्ट एज कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स. दोस्तों क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी का पार्ट अगर ग्राउंड से टच कर रहा है तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो पूरा बॉडी का वेट है वो कंस्ट्रक्टिंग फोर्स नहीं होगा उस केस में. उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जो हेड का जो वेट है वो फिर कंस्ट्रक्टिंग फोर्स लगाता है नेक के ऊपर, लिगेचर के ऊपर. तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. हैंगिंग इज डिफाइंड एज सस्पेंशन ऑफ बॉडी अ लिगेचर बॉडी वेट एक्टिंग एज अ कंस्ट्रक्टिंग फोर्स.
ये सही है। सस्पेंशन ऑफ अ बॉडी बाय लगेचर ऑफ द डेड, नहीं ये गलत है। ऑब्लिट्रेशन ऑफ एयर पैसेज बाय एक्सटर्नल कंप्रेशन, नहीं ये भी गलत है। मैकेनिकल इंटरफेरेंस टू रेस्पिरेशन, ये भी गलत है। तो दोस्तों हैंगिंग की डेफिनेशन क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ अ बॉडी अ लगेचर बॉडी वेट एक्टिंग अ कॉन्स्ट्रक्टिंग फोर्स, जैसे मैंने आपको बताया था पूरी बॉडी को लटका देते हैं, तो ऐसे में जो बॉडी का वेट होता है वही लगेचर के ऊपर कॉन्स्ट्रक्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। द नॉट इन जुडिशियल हैंगिंग इज प्लेस्ड एट, तो जुडिशियल हैंगिंग के केस में नॉट कहां पे प्लेस की जाती है? बैक ऑफ द नेक, नहीं। साइड ऑफ द नेक में प्लेस की जाती है। बिलो द चिन, नहीं। चॉइस ऑफ द हैंगमैन, नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्यों होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जुडिशियल हैंगिंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, इन इंडियन यूके लेफ्ट साइडेड सब ओरल यानी कि अंडर एंगल ऑफ द जॉ, यहां पे नॉट इज प्रिफर फॉर द जुडिशियल हैंगिंग। क्या होता है दोस्तों, जब भी ऐसे कह रहा था तो रोप इज लूप अराउंड द नेक एंड अलाउड टू ड्रॉप 5 to 7 meters अकॉर्डिंग टू वेट बेल्ट एंड एज ऑफ अ पर्सन। सडन स्टॉप कॉज फ्रैक्चर डिसलोकेशन कॉजिंग फ्रैक्चर डिसलोकेशन यूजली एट द लेवल ऑफ C2-C3 या फिर C3-C4 वर्टिब्रे एंड द रैप्चर ऑफ ब्रेन स्टेम बिटवीन पॉन्स एंड मेडुला इन प्रॉपर हैंगिंग। तो दोस्तों एंगल ऑफ द जॉब पे नॉट रखा जाता है, इससे क्या होगा दोस्तों C2-C3 या फिर C3-C4 वर्टिब्रे का फ्रैक्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों वहीं पे जो है ब्रेन स्टेम जो है वो रप्चर करेगा, वहीं पे दोस्तों मतलब कि पॉन्स और मेडुला के बीच में ये रप्चर कर जाएगा। स्पेनिश विंडलेस इज प्रैक्टिस इन चाइना इन स्पेन, माफ कीजिएगा इन स्पेन, एज अ मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। इट इज अ टाइप ऑफ, तो स्पेनिश विंडलेस का ये जो प्रैक्टिस की जाती है वो क्या, किस चीज का मेथड है ये? तो दोस्तों बांस डोला नहीं, मगिंग नहीं, गैरोटिंग दोस्तों इसका सही जवाब है, हैंगिंग नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बांस डोला क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हेड है, ये हेड है, तो यहां से एक स्टिक जाएगी और यहां से एक स्टिक जाएगी, तो गले के दो मतलब गले के दोनों साइड से स्टिक लेके उसको दबा दिया जाता है, उसको बांस डोला बोला जाता है। मगिंग में क्या होता है दोस्तों, ये जो ये है आम है, यहाँ पे गला दबा देते हैं, यहाँ इसको गले के बीच में लगा के और पूरा दबा देते हैं, ये होता है मगिंग। तो गैरोटिंग के बारे में जानते हैं दोस्तों, ये है स्पेनिश विंडलैश। तो स्पेनिश विंडलैश इज अ टाइप ऑफ गैरोटिंग। इट इज यूज टू बी ऑफिशियल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इन स्पेन। इन दिस एन आयरन कॉलर अराउंड द नेक इज टाइटन बाय स्क्रू बाय द फॉर स्ट्रैंगलिंग। क्या होता है दोस्तों, ये पर्सन बैठा है, इसके गले पे मेटल कॉलर डाल दिया जाता है और वो मेटल कॉलर पीछे इस हैंडल से कनेक्टेड रहता है। तो जब ये जो पर्सन है जब इसको स्क्रू को टाइट करेगा तो ये गला भी, ये जो आयरन कॉलर है ये गले को कॉन्स्ट्रिक्ट करता रहेगा, तो एक तरीके से ये एक स्ट्रैंगुलेशन की तरह ये एक्ट करने लग जाएगा। तो यही है दोस्तों स्पेन का जो तरीका है डेथ देने का, ये है स्पेनिश विंडलेस, इसी को गैरोटिंग दिया गया है नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू सफोकेशन, तो इसमें से क्या एक सफोकेशन का कॉज ऑफ डेथ नहीं है? चोकिंग सफोकेशन का कॉज है, गैगिंग भी कॉज है, स्मॉदरिंग भी कॉज है, थ्रॉटलिंग दोस्तों नहीं होता है, थ्रॉटलिंग मैंने बताया था गला दबाना, तो ये एक सफोकेशन का कॉज नहीं है, तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये बताया था चोकिंग में क्या होता है दोस्तों, कपड़ा, ये चोकिंग में मान लीजिए कोई कुछ खाना खा रहा है, या छोटा बच्चा टॉफी खा रहा होता है, या पीनट या मूंगफली जो होती है ये जब वो खा रहा होता है तो उसे गले में अटक जाता है, इसको चोक बोला जाता है, उसका गला चोक हो गया। गैगिंग में दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मुंह में कपड़ा ठूस दिया और वो कपड़ा जो है गले में जो है सफोकेशन कॉज कर देता है, जिसकी वजह से वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, उसको बोलते हैं गैगिंग। स्मॉदरिंग दोस्तों क्या होता है, जब कोई पर्सन किसी के ऊपर बैठ जाएगा और मुंह को प्रेस कर देगा ताकि वो सांस भी ना ले पाए, और चेस्ट के ऊपर बैठ जाएगा ताकि उसका चेस्ट भी एक्सपेंड ना कर पाए, उसको ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया भी बोला जाता है। तो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया प्लस
जो माउथ है उसको ढक दिया था, तो इन दोनों को मिला के जो है स्मॉदरिंग बोला जाता है। तो दोस्तों माफ कीजिएगा दोस्तों, जो स्मॉदरिंग जो मैंने बताया था, ये जब मुंह पे ऐसे ढक दिया था ताकि वो सांस भी ना ले पाए, और मुंह ढका हुआ है तो इसकी वजह से वो अंदर सांस भी नहीं जा पाएगी। तो मैंने आगे इमेज रखी हुई है, उससे आपको स्मॉदरिंग के बारे में पता चल जाएगा। बर्किंग, ये जो मैंने बताया था ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया प्लस स्मॉदरिंग, वो बर्किंग का एग्जाम्पल होता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज फॉर्म, तो सफोकेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों, तो सफोकेशन का टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा सफोकेशन के बारे में जानते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया कॉज बाय डेप्रिवेशन ऑफ द ऑक्सीजन, आइदर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट और फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर पैसेज बाय मीन अदर देन कॉन्स्ट्रिक्टिंग नेक और ड्रॉनिंग। दोस्तों ड्रॉनिंग और कॉन्स्ट्रिक्टिंग ऑफ नेक को छोड़ के अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एयर पैसेज का, तो उसको सफोकेशन बोला जाता है। वेरियस कॉज ऑफ सफोकेशन आर स्मॉदरिंग, गैगिंग, ओवरलाइंग, ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया, ऑब्स्ट्रक्शन टू रेस्पिरेटरी मूवमेंट ड्यू टू मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ चेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया। तो दोस्तों इसके लिए भी मैंने एक इमेज रखी हुई है बाद में, उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया का आप ऐसे समझिए कि कोई किसी चेस्ट के ऊपर, मान लीजिए कोई भारी भरकम कंक्रीट का कोई स्लैब गिर गया है, या ट्रेन एक्सीडेंट में उसके ऊपर कोई भारी भरकम कोई पार्ट गिर गया है, या वो किसी भारी भरकम कार के नीचे दब गया है या ट्रक के नीचे दब गया है, तो दोस्तों जब वो चेस्ट का कंप्रेशन करेगा उसको ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया बोला जाता है। बर्किंग क्या होता है दोस्तों? होमिसाइडल स्मॉदरिंग, जब मुंह पे हाथ रख के अगर कोई पर्सन के ऊपर बैठ जाएगा चेस्ट के ऊपर, उसको बर्किंग का नाम दिया गया। तो पहले थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, उसके नाम स्मॉदरिंग को बर्किंग समझ के बता दिया था मैं, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो बर्किंग दोस्तों ये होते हैं होमिसाइडल स्मॉदरिंग प्लस ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया। चोकिंग क्या वो बताया था मैंने दोस्तों, अगर मानिए छोटा बच्चा है वो मूंगफली खा रहा है और गले में अटक गया, या टॉफी खा रहा है गले में अटक गया, तो ये सारी चोकिंग का एक एग्जाम्पल होता है। कैफे कॉर्नरी तो मैं बता ही चुका हूँ कि कुछ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन कुछ खा रहा है उसके गले में कुछ अटक गया, तो गैग रिफ्लेक्स सप्रेस हो जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो कैफे कॉर्नरी सो नेम बिकॉज इट पॉज इन कैफे एंड इट सडन इट इज एंड इट्स सडननेस एंड कोलैप्स मिमिक अ कोरोनरी हार्ट अटैक स्पेशली इन ओल्डर पर्सन। इट इज कॉमन व्हेन अ गैग रिफ्लेक्स इज सप्रेस इन एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन एंड फॉलोइंग लार्ज डोज ऑफ ट्रैंकुलाइजर। तो दोस्तों एक तरीके से का ये एस्फिक्सिया ही होता है जब इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के गले में कुछ अटक जाता है। तो थोड़ा सा और जानते हैं दोस्तों, सेक्सुअल एस्फिक्सिया ऑटो इरोटिक हैंगिंग इज कॉमनली सीन इन मैसोचिज्म एंड ट्रांसवर्सिज्म। क्या होता है दोस्तों, लोग अपना सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कि वो पार्शल हैंगिंग टाइप का, हाइपोक्सिया टाइप का, पार्शल हाइपोक्सिया टाइप का अपने ऊपर ट्राई करते हैं, जिससे उनको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। तो इससे क्या होगा, ये एक तरीके से एक्सीडेंटल एस्फिक्सिया फिर हो जाता है। इसी को ही दोस्तों अपने आप को सेक्सुअली ग्रेटिस्फाई करने के लिए जो एक तरीका अपनाया जाता है पार्शियल हाइपोक्सिया का, इसी को ही मैसोचिज्म एंड ट्रांसवर्सिज्म बोला गया है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, ऑटो इरोटिक हैंगिंग, तो जैसे मैंने आपको बताया था, विक्टिम यूजली यंग मेल विद मैसोचिज्म और ट्रांसवर्सिज्म एनहांस सेक्सुअल प्लेजर बाय कंप्रेसिंग द ब्लड वेसल ऑफ नेक बाई एनी मीन्स। लिंचिंग दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि व्हाइट पर्सन लोग निग्रोस को पेड़ से टांग देते हैं, व्हेन सेवरल पर्सन एक्टिंग ज्वाइंटली एंड इलीगली ओवर पावर एन इंडिविजुअल एंड हैंगिंग देम। मगिंग क्या होता है दोस्तों, चोक होल्डिंग, स्ट्रेंगुलेशन ऑफ विक्टिम्स नेक अगेंस्ट द फोर आर्म। तो फोर आर्म जो होता है इससे गला दबा देते हैं। गैरोटिंग क्या होता है दोस्तों, विक्टिम इज अटैक फ्रॉम बैक विदाउट वार्निंग एंड स्ट्रैंगल बाय थ्रोइंग अ लिगेचर अराउंड ओवर द नेक एंड टाइटन इट क्विकली। स्पेनिश विंडलेस दोस्तों क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ गैरोटिंग, इट इज यूज टू बी ऑफिशियल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इन स्पेन
इन दिस एन आयरन कॉलर अराउंड द नेक वॉज टाइटेंड बाई स्क्रू फॉर स्ट्रेंगलिंग. बांस डोला क्या होता है दोस्तों, नेक इज कंप्रेस बिटवीन टू स्टिक और हार्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि दोस्तों दो स्टिक लेके ऐसा गला दबा देते हैं. थ्रॉटलिंग क्या होता है दोस्तों, मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन अफेक्टेड बाई हैंड, यानी कि गला ऐसे दबा देना. बर्किंग क्या होता है, मोड ऑफ स्मॉदरिंग यूज बाई बर्क एंड हेयर एंड ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया. जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, कोई पर्सन के ऊपर बैठ जाएगा प्लस हाथों से मुंह को भी प्रेस कर देगा ताकि वो सांस न ले पाए. बर्क यूज टू सिट ऑन चेस्ट कवरिंग विद वन हैंड द माउथ एंड द नोस्ट्रिल एंड पुशिंग अप द जॉ विद अदर हैंड एंड हेयर यूज टू पुल हिम अराउंड द रूम बाई फिट. स्मॉदरिंग क्या होता है दोस्तों, एस्फिक्सिया कॉज बाय मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल एयर पैसेज. क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा टीवी सीरियल के अंदर कि कोई बुजुर्ग पर्सन सो रहा है और उसके ऊपर जो है तकिया रख देता है ताकि वो सांस ना ले पाए, तो एक स्मॉदरिंग का एक काफी क्लासिक एग्जांपल होता है. चोकिंग क्या होता है दोस्तों, एस्फिक्सिया कॉज बाय मैकेनिकल ऑक्लूजन ऑफ इंटरनल एयर पैसेज. जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जैसे छोटा बच्चा है वो टॉफी खा रहा है और टॉफी उसके गले में अटक गई, तो एक चोकिंग का एग्जांपल होता है. गैगिंग क्या होता है दोस्तों, चोकिंग बाय प्रिवेंटिंग एयर एंट्री थ्रू माउथ एंड नोस्ट्रिल बाय फिलिंग क्लोथ इन माउथ. अब जब कपड़ा वगैरह ठूस दिया जाता है मुंह में तो वो क्या करता है, अंदर जाके वो चोक कर देता है, वो अंदर जाके एयर पैसेज को ब्लॉक कर देता है, उसको गैगिंग बोला जाता है. कैफे कोरोनरी क्या होता है दोस्तों, एक्सीडेंटल चोकिंग बाय बोलस ऑफ फूड ऑब्स्ट्रक्टिंग लैरिंग्स. That is mostly due to asphyxia or less commonly due to reflex cardiac arrest caused by stimulation of laryngeal nerve ending. तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, एक intoxicated person जब कुछ खाता है तो वो जो है अंदर जो है choke कर देता है, जिसकी वजह से जो food obstruction की वजह से क्या होता है, वो सांस नहीं ले पाता है और laryngeal nerve ending के वजह से वहाँ पे एक तरीके से वो mimic करेगा cardiac arrest को. Overlying कंप्रेशन सफोकेशन क्या होता है दोस्तों, कंप्रेशन ऑफ चेस्ट प्रिवेंटिंग ब्रीदिंग इट अकर व्हेन मदर शेयर अ बेड विद इन्फेंट. क्या होता है दोस्तों कि जब मान लीजिए कोई छोटे बच्चा जो एक न्यू बॉर्न बेबी है, कोई इन्फेंट है, उसके बाजू में अगर उसकी मदर सो रही होती है और सोते सोते मदर टर्न लेके बेबी के माउथ को और नोज को अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है तो वो एक तरीके का ओवरलाइंग का एक एग्जाम्पल बन जाएगा. ये काफी तरीके का एक्सीडेंटल कॉज होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों. बर्किंग कंसिस्ट ऑफ, तो दोस्तों बर्किंग क्या होता है, तो स्मॉदरिंग एंड ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया. जैसे मैंने बताया था ये बर्किंग इसको कहलाया जाता है. चोकिंग एंड ड्रॉनिंग नहीं, गैगिंग ओनली, ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया ओनली नहीं. तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर. तो अगर दोस्तों एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो मान लीजिए ये पर्सन है और इसके ऊपर एक पर्सन बैठ गया है. मान लीजिए इसके ऊपर पर्सन बैठ गया एक, तो एक हाथ से तो इसका मुंह दबा रहा है और एक हाथ से इसकी मतलब एक हाथ से जो है इसका मुंह दबाया जा रहा है. तो जब पर्सन इसके ऊपर बैठा हुआ है तो चेस्ट का एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा. यही एक क्लासिक एग्जांपल है बर्किंग का. तो मैंने आगे एक इमेज भी रखी है तो उससे आपको काफी अच्छे समझ में आ जाएगा. अ मेथड ऑफ होमिसाइडल स्मॉदरिंग एंड ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया इज नोन एज, जैसे मैंने आपको बताया था, बर्किंग. चोकिंग नहीं, गैगिंग नहीं, ओवरलैंग नहीं. तो दोस्तों ये मैंने फिर से क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन के बारे में पता चले. तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर. तो दोस्तों जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि एक पर्सन इसके ऊपर, इसके चेस्ट के ऊपर बैठा हुआ है ताकि सांस ना ले पाए और एक पर्सन इसका मुंह और नाक दबा रहा है ताकि एक तरीके से इसका चेस्ट भी एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है ब्रीदिंग के लिए और दूसरा मुंह से नाक से वो सांस भी नहीं ले पा रहा है. तो एक तरीके का ये बर्किंग का एक क्लासिकल एक ये पिक है. तो ये बर्किंग के क्लासिकल पिक ये है. तो दोस्तों ये है स्मॉदरिंग का एक एग्जांपल. ये है दोस्तों स्मॉदरिंग का एग्जांपल. इसके ना आप देख रहे हैं कि बाहर से जो है तकिया को मुंह और नाक के ऊपर फोर्सफुली रख रहे हैं
ताकि ये पर्सन सांस ना ले पाए. फ्रैक्चर ऑफ द हायड बोन रिजल्ट फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट. तो फ्रैक्चर ऑफ हायड बोन क्या होता है? थ्रॉटलिंग नहीं, मतलब थ्रॉटलिंग के अंदर फ्रैक्चर हो सकता है, हैंगिंग के केस में भी हो सकता है, चोकिंग के केस में भी हो सकता है, लेकिन चोकिंग के केस में दोस्तों नहीं होगा. और लैगेचर स्ट्रैंगुलेशन, इसके अंदर भी फ्रैक्चर हो सकता है. तो दोस्तों चोकिंग के अंदर मैंने बताया था कि गले में कुछ अटक गया, तो उससे हायर बोन के फ्रैक्चर का कुछ लेना देना नहीं है. तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है. तो एक बार मैं जरा इसको अच्छे से कर देता हूं. मैं तो थ्रॉटलिंग के अंदर हायर बोन का फ्रैक्चर हो सकता है, हैंगिंग के केस में हो सकता है, लैगेचर स्ट्रैंगुलेशन के अंदर हो सकता है, लेकिन चोकिंग के अंदर नहीं हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों. ऑल ऑफ द फॉलोइंग में कॉज ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया एक्सेप्ट. इसमें से कौन ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया नहीं कर सकता है? तो एक्सीडेंट, रेलवे एक्सीडेंट कर सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी कर सकता है, एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन दोस्तों नहीं कर सकता है, स्टैम्पेड इन क्राउड कर सकता है. तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर. तो दोस्तों ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया क्या होता है? जब चेस्ट के ऊपर काफी भारी भरकम चीज अगर कोई गिर जाती है तो क्या होगा, चेस्ट का एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा ब्रीदिंग के लिए. तो यही होता है दोस्तों ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया. तो रेलवे एक्सीडेंट में कैसे होगा, जिससे मान लीजिए कोई गेट पे लटक के ट्रैवलिंग कर रहा है और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो गिरेगा उसके ऊपर, ट्रेन का पूरी बोगी उसके ऊपर गिर गई, तो इतनी भारी भरकम बोगी उसे चेस्ट के ऊपर गिरेगी तो सांस तो बिल्कुल ही नहीं ले पाएगा. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस में अगर मान लीजिए कोई बाइक से जा रहा है और वो मान लीजिए ट्रक से भिड़ गया और ट्रक मान लीजिए कर्व पे था और ट्रक उसके ऊपर गिर गया, या वो किसी पोल से टकरा के गिर गया और भारी भरकम पोल उसके ऊपर गिर गया, तो वो भी क्या होगा, चेस्ट का एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा ब्रीदिंग के लिए. स्टैम्पेड इन क्राउड क्या होता है दोस्तों, भगदड़ मचना. भगदड़ का केस क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है 5 साल का 10 साल का, या कोई बुजुर्ग आदमी है 80 साल का 90 साल का, तो वो लोग क्या है, भाग नहीं पाएंगे बहुत जल्दी जल्दी. तो जब भाग नहीं पाते तो पीछे से एकदम क्राउड धक्का मारते हुए जब उनके ऊपर से जाएगा तो गिर जाएंगे, और जब वो गिरेंगे तो उनके ऊपर से काफ़ी सारी भीड़ उनके ऊपर से चेस्ट को दबाते ही जाएगी. तो अगर मान लीजिए एक 6 साल का 5 साल का बच्चा है, उसके ऊपर कोई 80 साल का कोई वयस्क अडल्ट कोई उसके ऊपर से जाता है, तो भी एक ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया कॉज कर देगा. तो स्टैम्पेड इन क्राउड भी एक ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया का एक एग्जाम्पल है. तो दोस्तों इसी के साथ थोड़ा सा मैं ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ. इट इज अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया विच इज कॉज फ्रॉम रेस्पिरेटरी अरेस्ट ड्यू टू मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ चेस्ट, ड्यू टू मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ चेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लंट ट्रॉमा टू चेस्ट और एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द चेस्ट एब्डोमेन और बैक विच प्रिवेंट नॉर्मल रेस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल. इट मे बी ड्यू टू स्टैम्पेड इन क्राउड, वॉइड क्रश और ह्यूमन पाइल डेथ बाई बींग ट्रैम्पल ऑन और क्रश अंडर फीट, क्रश बाई और नॉन पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा फ्रॉम हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक रोड ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, रेलवे एक्सीडेंट, ओवरटर्न ऑफ ट्रैक्टर इन फार्म, फॉल ऑफ अर्थ स्टोन एक्सेट्रा इन द माइंड और ड्यूरिंग टनलिंग और इन द बिल्डिंग कोलैप्स ऑफ अ इल प्रिपरेशन ट्रेंच, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड. तो ये सब हमने देखा कि भारी भरकम चीज अगर गिर जाती है, जैसे अर्थक्वेक के टाइम पे भारी भरकम चीज गिरती रहती है, कोई कॉन्क्रीट का स्लैब या कुछ है वो सब. पोजिशनल एस्फिक्सिया रिजल्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट कंप्रेशन when the body is subjected to force in such a manner that his thigh and knees are drive against his chest and so called jack knife position and posturing, that is victim is handcuffed with a hand behind his back with or without bending the angle to handcuff, it inhibit breathing when subject lie on the stomach, in assault pose where the victim is jumped upon or stamped upon, example barking. तो दोस्तों जैक नाइफ पोजीशन क्या होता है, मान लीजिए ये प्लैंक है और इसके अंदर कोई पर्सन को ऐसे लटका दिया गया है, तो इससे चेस्ट के ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा, तो ये भी एक तरीके का जैक नाइफ पोजीशन भी एक तरीके का पोजिशनल एस्फिक्सिया होता है. ये पोजिशनल एस्फिक्सिया है दोस्तों.
तो दोस्तों इस साथ आज की ये रिकॉर्डिंग एंड करते हैं। एंड करने से पहले दोस्तों एक दो चीज़ें बता देता हूँ। मेन चीज़ें कि हैंगिंग के केस में जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है ला फेसेस सिंपैथेटिक, वो है ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। और एक ला फेसेस सिंपैथेटिक भी हमने देखा था, वो क्या देखा था दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे हैंगिंग केस में यहाँ पे नॉट बंधा हुआ है तो जहाँ पे नॉट होगा वहाँ की आइज खुली रहेंगी और पीपल डायलेटेड रहेंगे और माउथ से यहाँ ऐसे करके सलाइवा ड्रिबल करेगा नॉट के अपोजिट साइड में। तो एक चीज ये बताया था मैंने। और अपने सेक्सुअल प्लेजर पाने के लिए दोस्तों लोग पार्शल हाइपोक्सिया टाइप की कंडीशन शो करते हैं, पॉज करते हैं, उसको बोला जाता है मैसोचिज्म। ये मैं इधर कर देता हूँ, इसको बोला जाता है ला फेसेस सिंपैथेटिक। इसको बोला जाता है ला फेसेस सिंपैथेटिक और यह है मैसोचिज्म फॉर ट्राई फॉर पार्शियल हाइपोक्सिया। फॉर सेक्सुअल प्लेजर फॉर सेक्सुअल प्लेजर। तो दोस्तों एंड करने से पहले शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। दूसरे इसका मतलब ये है कि अपनी जो तैयारी है वो एटलीस्ट 1 digit rank 2 digit rank की करिए। अगर मिस हो भी गया, अगर मान लीजिए उतना अच्छा नहीं भी हुआ, तो एटलीस्ट आप 2 digit या फिर 3 digit rank के अंदर तो आप रैंक कर ही जाएंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों आप एटलीस्ट टॉप की लेयर में तो रहेंगे रहेंगे, आप अपने मनपसंद ब्रांच आप चूज कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों अपनी वर्क का, अपना जो हार्ड वर्क है एकदम टॉप लेवल का करिए, ताकि अगर बाय चांस पेपर थोड़ा सा टफ भी आता है तो एटलीस्ट आप ऊपर की लेयर में ही रहेंगे, आप क्रीम लेयर में ही रहेंगे। तो इसका मतलब यही है, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। अगर मून मिस भी हो गया तो एटलीस्ट आप स्टार्स पे ही तो लैंड करेंगे, एटलीस्ट धरती पे तो लैंड नहीं करेंगे, है ना। आप एटलीस्ट मून को मिस होने की वजह से आप स्टार्स पे ही लैंड करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आप जो है हार्ड वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क करेंगे दोस्तों तो उसका रिजल्ट आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखने के लिए वीडियो के अंदर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रहेंगी दोस्तों तो आपको जो है किसी भी चीज़ का डाउट नहीं आएगा, आपका इसी स्लाइड के थ्रू ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों तब भी अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट आता है तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ऐप के अंदर लाइव क्लासेस लेता हूँ, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। दोस्तों भूलेगा नहीं, मेरा जो रेफरल कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन के टाइम पर तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो उसके नॉर्मली चार्जेस होते हैं 30,000 rupees, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे LIVEDRAM तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको पड़ेगा 27,000 rupees। दोस्तों ऐसे अगर मैं 12 मंथ के चार्जेस की बात करूं तो 12 मंथ के जो चार्जेस होते हैं वो होते 22,500। दोस्तों अगर इसी में 1 मंथ का और ऐड करूं तो 1 मंथ के चार्जेस होते 4,500, तो टोटल बन जाता है 27,000 rupees। तो दोस्तों आपने देखा कि सिर्फ 1 साल के चार्ज में के सब्सक्रिप्शन चार्ज में अगर 1 मंथ का और ऐड कर दूं, यानी टोटल 13 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट आपको मिलता है, पूरे 2 साल का बेनिफिट दोस्तों आपको मिलता है। दोस्तों जनरली अगर देखा जाए तो अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो जैन में एग्जाम है, 8 महीने के टाइम बचा है, उसके बाद दोस्तों रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद दोस्तों फिर क्या कहते हैं काउंसलिंग का टाइम आएगा, काउंसलिंग का टाइम जब तक होगा तब तक दोस्तों मई एम्स की बारी आ चुकी होती है। तो दोस्तों ऐसे में आप अपने नीट पीजी एग्जाम के बाद भी आप अपने पढ़ाई के टच में रह सकते हैं, काउंसलिंग के बाद जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे अपने मनपसंद ड्रीम ब्रांच को लेके, जैसे ऑर्थोपेडिक, गायनी ऑफ, मेडिसिन या रेडियोलॉजी, तो अगर आप उस अपने ड्रीम ब्रांच के अंदर भी जाते हैं तो आप अपने ड्रीम ब्रांच के बारे में भी अप टू डेट रह सकते हैं अपने कॉलेज में जाने से पहले। तो दोस्तों हर चीज़ में आपको बेनिफिट ही रहेगा।
क्योंकि आप एग्जाम के और प्रिपरेशन भी हो रही है, आप अप टू डेट भी रह रहे हैं, प्लस आपका जो ड्रीम ब्रांच है उसके बारे में भी आपको फुल जानकारी रहेगी अपने एजुकेटर के द्वारा। तो दोस्तों COVID-19 का काफ़ी पैंडमिक फैला हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफ़ी बोला जाता है, तो दोस्तों ऐसे में हमारा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे आप घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते हुए आप जो है नीट पीजी की तैयारी करें, वो भी लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा रहे, प्लस आप एजुकेटर के सामने ही आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर कोई MCQ पूछा जाता है आपसे तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे, और इससे आप जो आपको जो करेक्ट आंसर लगता है आपको वो टच करना रहेगा, जिसका आंसर आपको तुरंत आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि घर में बैठे बैठे ही आपके सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते ही आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही है, प्लस आप MCQs भी सॉल्व कर रहे हैं, प्लस आपको लगभग हर एक चीज़ का बेनिफिट भी मिल रहा है नीट PG के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो तब तक के लिए आज की रिकॉर्डिंग में यही पेंड करता हूँ, अगली बार एक नई रिकॉर्डिंग के साथ आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।